न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। बड़ी खबर है सतना से, जहां 11,000 केवी की विद्युत लाइन की चपेट में मैरिज पार्टी बस आ गई है। आपको बता दें कि घटना उचेरा थाना इलाके के परसमनिया रोड में रामपुर पाठा के पास की बताई जाती है। बस में सवार 8 से 10 यात्री घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बस में 45 से 50 लोग सवार थे। आपको बता दें कि थाना प्रभारी डीआर शर्मा मौके पर दलबल के साथ पहुंच गए हैं और घायलों को एम्बुलेंस से मैहर भेजा गया है। जानकारी मिली है कि आदिवासी परिवार बेटी की शादी कर मैहर से सलेहा जा रहा था और तभी ये घटना हो गई। आज यह आज की घटना है जिसमें एक यात्री बस जो थी वो मैहर के संपर्क में आई और यह घटना हमारे गांव की है, जिसके कारण कुछ लोग क्योंकि भाई पावर करंट था उसके कारण कुछ लोग को हल्के हल्के बर्निंग है। एक महिला गंभीर स्थिति में, सभी का इलाज जारी है, बाकी स्थिति स्पष्ट होगी जब डॉक्टर जो भी अपना सलाह देते हैं उसके हिसाब से स्थिति स्पष्ट होगी। जैसे कि बर्न इलेक्ट्रिक सिटी का केस है, बस चपेट में आई, बस के नीचे ताप थी, तो किस पे इस तरह का मामला दर्ज होगा? ये तो जाँच उपरांत ही क्लियर हो पाएगा कि बस किस प्रकार से उसके दोबारा संपर्क से आई है। ये जांच के बाद ही बात है, उसके बाद क्लियर हो पाएगी सारी स्थिति। अभी घायलों की क्या स्थिति? घायलों में एक महिला गंभीर है जिनको थोड़ी बर्निंग ज़्यादा है, बाकी सारे मरीज